गुलशन कुमार सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई आपको भी। जितने भी पार्क के स्टूडेंट हैं सभी लोग लाइव आ जाएं, और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। तो पार्क के जो भी स्टूडेंट हैं लाइव आ जाएं, और दोस्तों ये जो सेशन है आप लोग शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, ताकि कोई भी डाउट हो पार्क से रिलेटेड आप लोग हमसे पूछ सकें। सभी लोग लाइव आ जाइए। आ जाइए सभी लोग। सभी लोग शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। पीयू कुमार, प्रमोद कुमार, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई। सर वर्क असिस्टेंट का पेपर कब तक होगा? तो देखिए फरवरी में दोस्तों देख सकते हैं आप लोगों का पेपर हो सकता है, क्योंकि बार्क जो है दोस्तों इस समय एक्टिव हो चुका है। क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि 1 या 2 दिन पहले उसके रिगार्डिंग दोस्तों नोटिस जारी किया गया है कि जो भी स्टूडेंट थे जो कि फॉर्म भरे थे उनका दोस्तों का क्या है कि स्क्रीन इन और स्क्रीन आउट जो लिस्ट होता है वो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, और बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने आएगा। तो बार्क वर्क असिस्टेंट का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है। तो एग्ज़ाम कब होगी? प्रमोद कुमार, इसको मोनू सिंह, प्रमोद कुमार सक्सेना, गुड इवनिंग भाई। सर बार्क का एग्ज़ाम किस लेवल क्या रहेगा? तो देखिए 10th लेवल कहा जाता है, लेकिन ये 10th लेवल का नहीं, थोड़ा अप लेवल का रहेगा इस समय, क्योंकि दोस्तों दिन प्रतिदिन एग्ज़ाम टफ होता ही जा रहा है। अप्रैल में हो सकता है कि एग्ज़ाम पहले हो जाना चाहिए, 02/2022 वाली लिस्ट। तो हाँ, तो देखिए बार्क के NRB 02/2022 वाली जो लिस्ट है दोस्तों बहुत ही जल्द आएगी, हो सकता है फरवरी में आ जाए जहाँ तक उम्मीद है। क्योंकि दोस्तों बार्क के पास मैंने भी कॉल लगाया था तो वो लोग बता रहे थे जनवरी या फरवरी में आपका पेपर होगा, और दोस्तों जनवरी में तो हुआ नहीं, क्योंकि दोस्तों अब मात्र इसमें ज़्यादा दिन बचा भी नहीं है, 4 या 5 दिन समझिए बचा हुआ है, और आप लोगों का जल्द ही एग्ज़ाम होगा। क्योंकि फरवरी में अब चांस है, क्योंकि उन्होंने जो बताया था जनवरी या फरवरी, तो अब फरवरी में होने के चांस हैं। और आप लोगों का दोस्तों जो लिस्ट है बहुत ही जल्द जारी किया जाएगा। सर दोनों पेपर एक ही दिन में होगा क्या? तो देखिए ये जो है जहाँ तक इस बार आशा है कि आपका जो पेपर है इस बार एक ही दिन में होगा, और आपका जब एडमिट कार्ड आएगा उस पर पूरा क्लियर लिखा रहेगा। ठीक, रिजल्ट कब तक आएगा स्प्रिंट ट्रेनिंग कैटेगरी 2 का? तो देखिए दोस्तों इसके रिगार्डिंग में दोस्तों नोटिस अभी जल्द ही जारी किया गया था, मैंने आपको बताया है कि वो लोग रिजल्ट के बारे में अभी, देखिए मैंने आपको कल नहीं परसों बताया था। तो यहाँ पर जिसका कि एडवर्टाइजमेंट नंबर था दोस्तों, कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2022 नोटिस था, 23 जनवरी 2023 को जारी किया गया है। कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 वालों का जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट था ये आपका अंडर प्रोसेस में है। ठीक, तो आप लोगों का एग्जाम बहुत ही जल्द कराया जाएगा। तो लेवल तो मैंने बता दिया, IGCR कुछ बताओ भाई। तो देखिए IGCR का दोस्तों जो भी अपडेट रहेगा दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इस समय प्रेजेंट टाइम में कोई भी अपडेट नहीं है। ठीक, टोटल कितने फॉर्म भरे गए? तो देखिए दोस्तों जब लिस्ट जारी हो गया बार्क का, ठीक, वर्क असिस्टेंट का हो या फिर ऑर्डिनरी ग्रेड ड्राइवर का हो या फिर स्टेनोग्राफर का हो या फिर कोई भी हो, जब आप लोगों का लिस्ट जारी किया जाएगा स्क्रीन इन और स्क्रीन आउट लिस्ट, तो स्क्रीन इन लिस्ट में जितने भी कैंडिडेट वहां पर सेलेक्ट रहेंगे वही हो जाएगा दोस्तों टोटल, समझिए कन्फर्म स्टूडेंट जो लोग एग्जाम देने के लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक, तो वहां से मैं आप लोगों को जरूर बता दूंगा कितने स्टूडेंट एलिजिबल हैं एग्जाम देने के लिए, तो वहीं से आपका पता चलेगा। और अभी ये प्रिपेयर नहीं हुआ है सभी, लगभग फरवरी में कितना तारीख तक, तो देखिए ये कंफर्म रहता दोस्तों तो मैं आप लोगों को बता देता, लेकिन उन्होंने जो बताया था कि जनवरी या फरवरी, तो जनवरी में हुआ नहीं, तो फरवरी में चांस है। और कब होगा दोस्तों ये मैं आप लोगों को बता दूंगा जैसे ही कोई अपडेट आएगा। तो आप लोग कमेंट करिए। तो देखिए बॉय विथ इंडिया जो भी एग्जाम होगा दोस्तों वो मैं बता दूंगा कब होगा। नाइस वीडियो सर, थैंक यू भाई। मराठी भाषा में दे सकते हैं क्या? देखिए मराठी भाषा की जो आप लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, तो देखिए जो हुआ था ऐसा कि इसके पहले वाले में, जैसे कि 2021 में जो पेपर हुआ था बार्क का वर्क असिस्टेंट का, वो जो पेपर था हिंदी भाषा, इंग्लिश भाषा और इसके बाद दोस्तों आपको मराठी भाषा, तीनों भाषा में अवेलेबल था। ठीक सर, मेरा नाम ले लीजिए सर प्लीज, बिजनेस चौरसिया, एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2022 NRB का एडमिट कार्ड कब आएगा? देखिए दोस्तों अभी आप लोगों का तो लिस्ट ही नहीं जारी हुआ है, तो एडमिट कार्ड की बात ही छोड़िए, एडमिट कार्ड जब आएगा दोस्तों मैं आपको पूरा का पूरा दोस्तों आप लोगों का एडमिट कार्ड और एग्जाम डेट निर्धारित होगा। सर कट ऑफ अभी भाई पेपर हुआ है नहीं, कट ऑफ कैसे कोई बता देगा? जबरदस्ती कोई थोड़ी होता है।
एग्जाम कहाँ होगा सर बार्क का? देखिए दोस्तों, बार्क का जो एग्जाम होता है ज़्यादातर दोस्तों वो अणुशक्ति नगर में होता है, ठीक। लेकिन दोस्तों 2021 में जो पेपर हुआ था वो लगभग 5 जगह पर शायद सेंटर बनाया गया था, जिसमें कि दोस्तों मुंबई भी, मुंबई में जो है अणुशक्ति नगर एक तो वहाँ होता है, फिर कोलकाता में सेंटर बनाया गया था, दिल्ली में बनाया गया था, और शायद बेंगलुरु में भी था, ऐसे और कुछ जगह पर था। लिस्ट कब तक है? फरवरी में आने के चांस हैं। बिहार में कितना सीट है बार्क में? तो देखिए ये बार्क का बिहार में कितना सीट है ये थोड़ी होता है, उसका जहाँ जहाँ पर बार्क का यूनिट है उसी उसी यूनिट में आप लोगों का दोस्तों वहाँ पर सिलेक्शन होता है, ठीक। एग्जाम सेंटर, तो एग्जाम सेंटर के बारे में मैंने बता दिया है। लिस्ट कब तक आएगी? आपका पेड क्लास लेना है भाई? अभी मेरा कोई भी पेड क्लास नहीं चल रहा है, ठीक। और आप लोगों के लिए दोस्तों कोशिश जारी कर रहा हूँ कि जल्दी दोस्तों हम भी, अगर आप लोगों को सपोर्ट रहा तो जल्दी ये सब भी आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, क्योंकि दोस्तों अभी मैं अपने YouTube चैनल पर अभी सिर्फ समय ना होने की वजह से दोस्तों मैं पढ़ा भी नहीं पा रहा हूँ। लेकिन बार्क के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं दोस्तों आज बता दूँ कि 1 या 2 दिन में दोस्तों आप लोगों का मैं पूरा फुल क्लास लेने वाला हूँ, ठीक। जो दोस्तों देखिए प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर हुए थे उसी के आधार पर दोस्तों मैं सिर्फ और सिर्फ टॉपिक कवर करूँगा, ठीक। तो उसके हिसाब से दोस्तों आप लोग कवर करिएगा और उसको मन से पढ़िएगा, ठीक। देखिए सभी के सभी ऐसा नहीं है दोस्तों कि मेरे पढ़ाए हुए से सब कुछ आएंगे, लेकिन हाँ जो जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा उसमें से आपके क्वेश्चन जरूर बनेंगे, ठीक। बार्क मैसूर वर्क असिस्टेंट के रिजल्ट कब आएगा? तो देखिए दोस्तों बार्क मैसूर के बारे में अभी कोई भी अपडेट नहीं है कि रिजल्ट कब आएगा, जैसे अगर कोई अपडेट आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। वो तो मई में हुआ था, मई 2022 में, तो उसका भी कोई भी अपडेट नहीं है बार्क मैसूर का। बाकी और किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं और आप लोग शेयर कर दें, और किसी को और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। वर्क असिस्टेंट ए का टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड एक ही दिन होगा क्या? हाँ इस बार जहाँ तक उम्मीद है इस बार सेम डेज में होगा, ठीक। सर स्प्लेंडर ट्रेन कैटेगरी वैकेंसी कब तक आएगी? भाई अभी जो आया है उसका एग्जाम हुआ नहीं है, अभी आप लोग वैकेंसी की बात कर रहे हैं, अगर आएगा तो अपडेट मैं आप लोगों को जरूर दे दूंगा। फॉर्म कितने भरे गए हैं सर? देखिए फॉर्म भरने से मतलब नहीं है, यहाँ पर ये देखा जाएगा स्क्रीन इन और स्क्रीन आउट लिस्ट में जो स्टूडेंट हैं उन्हीं के हिसाब से दोस्तों मैं बता दूंगा कि टोटल कितने ऐसे एलिजिबल स्टूडेंट हैं जो कि टीयर फर्स्ट का एग्जाम देंगे, ठीक। तो वो मैं आप लोगों को लिस्ट बता दूंगा जैसे ही आएगा, और किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। प्लीज रिप्लाई माय क्वेश्चन। सक्सेस पॉइंट आईटीआई गुरु जी, बोलिए भाई आपका क्या क्वेश्चन है? टॉपिक का पीडीएफ दे दी? देखिए टॉपिक का पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, और टॉपिक का मैंने वीडियो भी डाल दिया है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइएगा, वहां पर है बार्क क्लासेस 2022 के नाम से, ठीक। तो बार्क क्लासेस 2022 के नाम से आप उसमें देख लीजिएगा, आपको पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। सर बाकी के न्यू रिक्रूटमेंट कब आएगी? बार्क के न्यू रिक्रूट, तो देखिए दोस्तों बार्क का न्यू रिक्रूटमेंट की बात आप लोग कर रहे हैं, तो देखिए जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के द्वारा दोस्तों जो लिस्ट जारी किया गया था एग्जाम वैकेंसी वाला, उसमें ये कहा गया था कि दिसंबर में वैकेंसियां आएंगी, लेकिन दोस्तों आया नहीं है, और जनवरी भी लगभग आप लोगों को खत्म हो चुका है लेकिन आया नहीं है, ठीक। हो सकता है जल्दी जारी किया जाए, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत जितनी भी वैकेंसी आती हैं चाहे वो बार्क का हो या फिर NPCIL का हो, तो NPCIL का तो हालांकि अपना वैकेंसी देना स्टार्ट कर दिया है और आ भी रहा है, और आप लोग देख भी रहे होंगे भरे भी होंगे, और कितनों का तो 2 या 3, एक काकरा पार्क का था और तारापुर और यहाँ नरौरा का था, तो इन सबका भी एग्जाम डेट खत्म, वो फॉर्म भरने का डेट भी खत्म हो चुका है, अगर आप लोग भरे होंगे तो देखे ही होंगे, और बार्क का भी बहुत जल्दी आने वाला है। सर इस फरवरी मंथ में पक्का होगा क्या? भाई देखिए इसके बारे में देखिए जो मेरे को सूचना मिलता है मैं वही सूचना आपको दे सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बार्क में किसी ऐसे बड़े पोस्ट पर हूँ कि या मेरे द्वारा निर्धारित किया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैली अनिल क्या सिक्योरिटी क्रिएट क्या है क्रिएटिंग प्रेस हैदराबाद सैलरी? तो भाई देखिए वैकेंसी जब आई थी उसके एडवर्टाइजमेंट में आप लोग सैलरी देखिएगा, उसमें बताया जाता है कि किस ग्रेड पे का है, ठीक। तो वहाँ से आप अपना पता कर सकते हैं। सर एडमिट कार्ड कब तक अवेलेबल हो सकता है?
देखिए दोस्तों, जब लिस्ट जारी होगा उसके बाद ही आप लोगों का एडमिट कार्ड जारी होगा, ठीक। तो जो लिस्ट है स्क्रीन इन का, स्क्रीन आउट लिस्ट का, फिर उसी के आधार पर दोस्तों आपका लगभग समझिए 20 से 25 दिन बाद हो सकता है एग्ज़ाम हो। बाकी और किसी कोई डाउट हो तो पूछिए सर। बाकी क्लास स्टार्ट करें प्लीज़ सर। हाँ तो देखिए दोस्तों, कल से हो सकता है स्टार्ट कर दें हम। टेलीग्राम लिंक कहाँ मिलेगा? देखिए ऑब्जेक्टिव सेंटर जिस नाम से यूट्यूब चैनल है, इसी नाम से आप लोग सर्च करिएगा टेलीग्राम पर, मेरा चैनल आ जाएगा, ठीक। और ऑब्जेक्टिव सेंटर अगर ग्रुप लिखेंगे तो वहाँ पर ग्रुप भी आ जाएगा, और लगभग उसमें 5,000 स्टूडेंट हैं, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और कोई भी डाउट हो आप अपना डाउट उसमें शेयर कर सकते हैं, और कोई क्वेश्चन बाय चांस नहीं आता है तो उसको भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। बार बार का सिस्टम एग्जाम होने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? अब देखिए ये लोग बार वाले ही बता सकते हैं, अब उनका अगर नीयत नहीं है एग्जाम कराने का तो उसमें हम क्या कर सकते हैं सर। ये एडमिट कार्ड कब तक अवेलेबल हो सकता है? देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट मत करिए, मैंने आपको बता दिया है कि फरवरी में देखिए एग्जाम होने के चांस है, तो समझिए फरवरी में ही होने की उम्मीद दिख रही है सर। टाइम टेबल बना दीजिए प्लीज बार क्लास। तो देखिए दोस्तों, प्लेलिस्ट तो ऑलरेडी मैंने बना दिया है। प्रीवियस ईयर का पेपर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में से जाके देख लीजिए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों उसका भी मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि पिछले साल किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक। और उसी उसी टॉपिक को दोस्तों मैं आप लोगों को डिटेल में यहाँ पर हो सकता है कल या परसों से मैं स्टार्ट कर दूंगा क्लास, वहाँ से आप लोग अपना वो टॉपिक कवर कर लीजिएगा जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक। मैंने आपको बता दिया कि बार के NRB 02-2022 का एडमिट कार्ड कब आएगा, तो फरवरी में चांसेज हैं, ठीक। सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट मत करिए। गौरव कुमार, सेम क्वेश्चन रिपीट मत करिए, कोई और भी किसी स्टूडेंट का डाउट हो तो अपना पूछ सकते हैं। सर स्क्रीन इन और आउट लिस्ट का वीडियो बना देना सर जब आएगा तब। हाँ भाई जब आएगा मैं बिल्कुल आपको समझिए कि आधा घंटा भी अपडेट होने में अगर नहीं लगेगा, ठीक। अगर जैसे ही बार के ऑफिशियल वेबसाइट पर आता है मैं आधे घंटे के अंदर ही आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा पूरा लिस्ट। यूट्यूब का लिंक भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम में, तो आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पर लिस्ट भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। नाइस इन्फॉर्मेशन सर, लव यू। लव यू भाई। SSC लेवल के एग्ज़ाम है क्या बार के? नहीं, SSC थोड़ा टफ होता है। बार के वर्क असिस्टेंट की बात करें हम तो थोड़ा ये लो होता है, ठीक। SSC कितना टफ नहीं होता है। लिस्ट में जो नेम आया है वो कहाँ से मिलेगा? तो देखिए लिस्ट में जो नेम आया है दोस्तों वो देखिए अभी जैसे ये वीडियो ख़त्म होगा, ठीक, लाइव सेशन ख़त्म होगा, ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा बार के का, आप वहाँ से देख सकते हैं। या फिर दोस्तों जो लिस्ट आया हुआ है आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर जाके देख सकते हैं, ठीक। वहाँ पर मैं डाला हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में भी डाला हूँ, टेलीग्राम चैनल में भी डाला हूँ। ड्राइवर एग्जाम कब होगा? देखिए दोस्तों, बार का जो भी एग्जाम होना है ये फरवरी में ही होना है, NRB 02-2022 के अंदर जो भी है। साक्षी साहू, सर वर्क असिस्टेंट 2022 कब होगा? तो यही देखिए फरवरी में चांसेज हैं, ठीक। और इसके रिगार्डिंग दोस्तों नोटिस भी निकाल दिया है वर्क ने कि बार बार आप लोग दोस्तों मोबाइल से या फिर ईमेल के माध्यम से आप लोग उनसे ज़्यादा ना पूछें, ठीक। वो लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट करेंगे, ऐसा उन्होंने नोटिस भी जारी किया गया है उनके द्वारा, तो आप लोग देख ही सकते हैं, मैंने आपको बताया भी है। व्हाट्सएप पर डाल देना, ठीक है भाई, व्हाट्सएप पर डाल देंगे। राय बादशाह है, लेवल कौन सा? राइट, देखिए कहने के लिए 10th लेवल का होता है, लेकिन दिन प्रतिदिन दोस्तों आपका क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जा रहा है, ठीक। उसी हिसाब से आप लोग तैयारी करिएगा। DRDO फिटर का कट ऑफ कितना होता है? तो देखिए DRDO, देखिए हमारे कहने से कट ऑफ का कुछ नहीं होगा, ठीक। जब आएगा कट ऑफ उसी हिसाब के देखिएगा, कट ऑफ दोस्तों हम लोग निर्धारित करने वाले कोई नहीं होते हैं, ठीक। आप जब इसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा उसी में देख लीजिए किसका कट ऑफ हो रहता है कट ऑफ के अंदर, किसका नहीं रहता है, ठीक। बाकी और किसी का कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं। अगर हो गया हो सबका डाउट तो लाइव भी बंद कर दिया जाए।
और किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, कमेंट करें सभी लोग। चलिए, हमको लगता है सबका डाउट क्लियर हो चुका होगा। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि बार्क वर्क असिस्टेंट का हो या फिर दोस्तों कोई भी हो, तो बार्क में दोस्तों जो नॉन टेक्निकल के पोर्शन होते हैं वो मैं आपको कवर करूंगा। ठीक, कल से क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी, मैं एक एक वीडियो डेली डालूंगा। और ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा सबके सब, उसमें मैं थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों लेकर आऊँगा। मुंबई में किस प्लेस पर एग्जाम सेंटर बना था सर? देखिए, अनुशक्ति नगर में बना था सेंटर। ठीक, अनुशक्ति नगर जो बार्क का खुद जहाँ पर है डिपार्टमेंट पूरा, अनुशक्ति नगर में वहीं पर वो अपना एग्जाम कराए थे बार्क वाले। और जहाँ देखिए, पिछली बार जो वैकेंसी आई थी 2021 में, ठीक, उसमें फर्स्ट स्टेज का जो पेपर था दोस्तों वो 5 जगह पर लगभग कराया गया था। लेकिन दोस्तों, जो सेकंड स्टेज का जो पेपर हुआ था वो अलग डेज में हुआ था पिछली बार, वर्क असिस्टेंट का। तो उसका क्या है दोस्तों, जो सेकंड स्टेज का पेपर हुआ था वो अनुशक्ति नगर में ही हुआ था। लेकिन इस बार जो चांसेज है दोस्तों कि जो आपके दोनों एग्जाम है सेम डेज में होगा। अगर दोस्तों बाई चांस अलग अलग डेज में होगा तो ये आपके एग्जाम के जो एडमिट कार्ड है उस पर आपको जरूर बताएगा वो। ठीक, सर जी, DAE की न्यू वैकेंसी कब तक आएगी? 3800 है। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत दोस्तों जो भी कह रहे हैं 3800 पोस्ट है। तो देखिए, इस डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत दोस्तों बहुत सारे आते हैं, जैसे कि NPCIL हो गया, न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया, बार्क हो गया, और ऐसे और भी होते हैं, VSCC करके होता है, सॉरी VSCC नहीं रहता है, कोई और भी रहता है ना। तो उसका भी दोस्तों क्या है कि एग्जाम जो होगा, और भर्ती जो होती है ये सब डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आती हैं, और सभी का दोस्तों एग्जाम पैटर्न और सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस सभी का सेम होता है। और किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं। अंकित कुमार, गुड इवनिंग भाई। NPCIL गुजरात लास्ट 2022 नोटिफिकेशन आया था, एग्जाम किस मंथ में होगा? देखिए, गुजरात साइड का दोस्तों, देखिए जो आया है काकरा पार गुजरात साइड का ना, तो काकरा पार वालों का दोस्तों जो एडवर्टाइजमेंट था उसमें कहा गया था कि NPCIL का जो पेपर होना है काकरा पार का वो फरवरी में होगा। ठीक, तो फरवरी में चांसेस बन सकते हैं, लेकिन देखिए अगर हो जाए तो अच्छी बात है, वरना हो सकता है एग्जाम भी टल सकता है। बार्क का 02/2022 का रिजल्ट, भाई एग्जाम तो पहले हो जाए फिर इसके बाद रिजल्ट की आप बात करना। मुंबई स्टैटिक GK कवर करवा देना। हाँ ठीक है भाई, कोशिश करेंगे कि मुंबई का स्टैटिक GK कवर करवा दूँ। प्रियंका तिवारी, बार्क वर्क असिस्टेंट एग्जाम डेट कब तक आएगी? तो एग्जाम डेट दोस्तों फरवरी में देखिए लगता है आने के चांसेज हैं, क्योंकि बार्क ने अपडेट कर दिया है कि वो अंडर प्रोसेस में है, जो भी है काम अंडर प्रोसेस में है, और जल्द ही आप लोगों के लिए लिस्ट जारी किया जाएगा। प्रियंका तिवारी, सेम क्वेश्चन रिपीट ना करें, मैंने बता दिया है सर। क्लास स्टार्ट करने के लिए थैंक। ठीक है भाई, कल से स्टार्ट हो जाएगा NRB रिजल्ट। NRB अभी एग्जाम हुआ नहीं, और NRB रिजल्ट कहाँ से जाएगा? कैटेगरी 2 का फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा? तो दोस्तों देखिए, कैटेगरी 2 का फाइनल रिजल्ट अभी अंडर प्रोसेस में है, ये दोस्तों मैंने परसों के वीडियो में खुद बताया था। ठीक, और जैसे ही आएगा मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। और जो भी देखिए स्टूडेंट लाइव हैं, देख रहे हैं, आप लोगों करना क्या है दोस्तों, जैसे ही ये लाइव सेशन खत्म होता है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक, और जो भी स्टूडेंट हैं टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन है, ऑब्जेक्टिव सेंटर ग्रुप नाम से आप लोग सर्च करिएगा और उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक, और पुराना पेपर है क्या सर आपके पास? हाँ, NPCIL प्लांट ऑपरेटर का जो पेपर है वो दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में दोस्तों आप लोग वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर जाके वीडियो का मैंने प्लेलिस्ट बनाया है वहाँ से देख सकते हैं। और जिनको PDF चाहिए तो PDF दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप दोनों में मैंने डाल रखा है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक सर, इंग्लिश का लेवल कैसा रहता है? देखिए हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो भी वर्क असिस्टेंट एक स्टूडेंट हैं बार के, ठीक, पिछली बार क्या था दोस्तों 2021 में जो पेपर हुआ था उसमें दोस्तों इंग्लिश नहीं आया था, बल्कि इंग्लिश की जगह पर उन्होंने पैसेज दे दिया था।
तो उसको भी मैंने दोस्तों एक वीडियो में सेपरेट बता दिया था कि पिछले साल में कैसा क्या था और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपसे इंग्लिश नहीं पूछा जाएगा, इस बार इंग्लिश आने के चांसेज रहेंगे, क्योंकि उनके एग्जाम पैटर्न में और सिलेबस में जो भी है दोस्तों उन्होंने बताया था कि उसमें इंग्लिश भी जो रहेगा स्टेज सेकेंड में रहता है, ठीक। स्टेज फर्स्ट में तो इंग्लिश रहता नहीं है, स्टेज सेकेंड में इंग्लिश आपका रहता है। और एग्जाम पैटर्न दोस्तों मैंने आपको बताया सर, यूपी TET2 फिटर का कट ऑफ कितना जा सकते हैं सर, प्लीज रिप्लाई। देखिए भाई कट ऑफ की बात मत करिए, क्योंकि दोस्तों कट ऑफ निर्धारित करने वाले हम लोग नहीं रहते हैं, ये रियलिटी है। और अदर लोग दोस्तों व्यूज पाने के लिए कोई कट ऑफ लो बताएगा ताकि उनका ज़्यादा व्यूज आ जाएगा, और कोई कट ऑफ हाई कर देते हैं ताकि लोग आपस में क्या रहें, परेशान होते रहें, इनका वीडियो देखें और क्लिक पैड वाली वीडियो बनाते हैं। इसलिए दोस्तों कट ऑफ के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, जो भी होगा फाइनल रिजल्ट आप लोग अपना देखिएगा। जिनका सिलेक्शन होना रहेगा, जो मेहनत किए रहेंगे उनका सिलेक्शन होगा, और जो मेहनत नहीं किए रहेंगे उनका सिलेक्शन नहीं होगा। 160.25 हो सकता है सर मेरा, देखिए हो जाए तो अच्छी बात है। नेवी TMM एडमिट कार्ड कब, देखिए जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा सर। इंग्लिश कैसे पढ़ें, व्हाट्सएप ग्रुप में कोई बुक का PDF डाल दो इलेक्ट्रीशियन का। इलेक्ट्रीशियन का देखिए, इलेक्ट्रीशियन का PDF मेरे पास है नहीं, ठीक। WCR अप्रेंटिस 2023 का मेरिट लिस्ट कब तक आएगा? तो देखिए दोस्तों WCR का अप्रेंटिस का जो लिस्ट है दोस्तों वो तो आ ही रहा है, अगर आपका नहीं आया है तो आप लोग देखिए, बाकी WCR का तो आ ही रहा है अप्रेंटिस का रिजल्ट, मेरिट लिस्ट भी। वर्क असिस्टेंट का पेपर कब है विवेक सिंह? मैंने आपको बताया कि हो सकता है फरवरी में हो। वर्क असिस्टेंट से LDC UDC में जा सकते हैं बाद में? देखिए भाई वर्क असिस्टेंट से दोस्तों LDC UDC में आप लोग जा सकते हैं, हो सकता है डिपार्टमेंट वहाँ पर इंटरनल एग्जाम होता हो तो आप उसके थ्रू जा सकते हैं, बाकी योग्यता हो तो आप एग्जाम देके भी जा सकते हैं अभी से। तो UDC का भी दोस्तों क्या है कि इस समय वैकेंसी तो फिलहाल पार्क में तो नहीं है, लेकिन हो सकता है आने के चांसेज हैं, ठीक। पिछली बार तो था UDC का। और किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। GK का प्रीवियस पेपर के आधार पर पढ़ाइएगा सर। हाँ ठीक है भाई, उसी देखिए जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन आए थे मैं उसी टॉपिक को बस कवर कर पाऊंगा, और डिटेल में कवर करने की कोशिश करूंगा। और जिनको नहीं पता किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे उसका दोस्तों मैं जैसे एग्जाम ये सेशन खत्म होगा वो मैं पूरा का पूरा जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से आप लोग देख लीजिएगा किस किस टॉपिक से पिछले साल क्वेश्चन पूछे गए थे। प्लीज बताओ ना सर जी। ओम प्रकाश मीना क्या पूछना है भाई आप बताइए, कैटेगरी 2 का रिजल्ट कब आएगा? मैंने आपको बता ही दिया है दोस्तों कैटेगरी 2 का रिजल्ट अंडर प्रोसेस में है, और कैटेगरी 1 का भी रिजल्ट अंडर प्रोसेस में है। मुंबई का GK क्लास लाओ, ठीक है भाई कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखिए GK GS के बारे देखिए GK वो करंट अफेयर के बारे में उतना मैं नहीं कुछ कहूँगा, और बाकी और सब जो टॉपिक है नॉन टेक के वो मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। रेलवे का टेक्नीशियन एंड LP कब तक आएगा? देखिए दोस्तों काफ़ी हर जगह यूट्यूब चैनल पर यही बताया जा रहा है, और पेपर में भी दोस्तों यही बताया जा रहा है कि LP का जो वैकेंसी है अब तक आ जाना चाहिए था लेकिन अभी तक आया नहीं है, पता नहीं क्या रीज़न है, लेकिन आने के चांसेस हैं, बहुत ही जल्द आएगा। आपसे मिलना चाहते हैं, मिलिए भाई बिल्कुल मिलिए। बाकी और किसी का कोई डाउट हो तो सर 3800। देखिए भाई इकट्ठे जो सोच रहे हैं आप लोग कि 3800 प्लस बार की वैकेंसी कब आएगा, जब आएगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा, फिलहाल अभी कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है।
देखिए वर्क असिस्टेंट के दोनों ही पेपर एक साथ होगा क्या? इस बार चांसेस हैं कि आप लोगों का जो पेपर है एक साथ हो, लेकिन पिछली बार दोस्तों 2021 में जो पेपर हुआ था वो अलग अलग डेट में हुआ था। और देखिए दोस्तों आप लोगों में बता दूं कि देखिए जो 2021 में पेपर हुआ था वर्क असिस्टेंट का, ठीक, उसमें क्या था दोस्तों कि आपको पेपर घर लाने को मिला था, ठीक, और इसलिए दोस्तों वो पेपर मेरे भी पास है। और जो इसके बाद मैसूर में हुआ था शायद, उसका दोस्तों जो पेपर था वो घर लाने को नहीं मिला था, ठीक, इसलिए आपको जो भी पेपर मिलेगा दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे वो 2021 का पेपर मिलेगा। और 2021 में दोस्तों जो क्वेश्चन पेपर आया था वो बिल्कुल ईजी आया था, लेकिन जो स्टूडेंट और पेपर दिए थे जो 2022 में हुआ था वर्क असिस्टेंट का पेपर, जिसका पेपर घर लाने को नहीं मिला है, तो वो सब में दोस्तों कह रहे थे कि क्वेश्चन टफ था थोड़ा, ठीक, तो उसको भी दोस्तों कवर करने की कोशिश किया जाएगा। प्रैक्टिकल इलेक्ट्रीशियन बुक का कौन सा लें? प्रैक्टिकल इलेक्ट्रीशियन बुक, अरे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की बात करते हैं तो बताइए, तो फिर बताएं। तो देखिए अगर ऑल आर कब होगा सर एग्जाम ये बता दो सर, स्किल टेस्ट के लिए, ठीक है मैं आप लोगों को बता दूंगा, टेलीग्राम पर आप लोग रहिएगा, स्किल टेस्ट के लिए भी देखूंगा, बाकी और किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। मैं टेलीग्राम पर दोस्तों लिंक भेज दूंगा, वहां से आप अपने देख लीजिएगा, ठीक। 12 सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी कब आएगी? देखिए अभी कोई फिलहाल नोटिस अभी नहीं जारी किया गया है, जैसे ही आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। टेलीग्राम चैनल है आपका सर? हाँ ऑब्जेक्टिव सेंटर नाम से है, आप देख लीजिएगा, सर्च करेंगे मिल जाएगा सर। लास्ट वाला पेपर की पीडीएफ सेंड करो ना प्लीज। देखिए दोस्तों वर्क असिस्टेंट का पेपर जो है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाला हूँ, जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, उसी नाम से आप लोग सर्च करिएगा टेलीग्राम पर आ जाएगा, और वहाँ पर सर्च करिएगा बार्क, तो बार्क का जैसे सर्च करेंगे वहाँ पर वर्क असिस्टेंट का पेपर मिल जाएगा। और दोस्तों देखिए जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि इस बार NPCIL प्लांट ऑपरेटर का पेपर देने जा रहे हैं, तो उनका भी दोस्तों क्या है कि मैं जो 2018 में पेपर हुआ था प्लांट ऑपरेटर का, स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड दोनों के दोनों पेपर मैं डाला हूँ, और चाहे वो इलेक्ट्रिशियन के स्टूडेंट हो, चाहे फिटर के हों, या फिर वेल्डर के हों, या फिर टर्नर के हों, तो इन सभी लोगों का दोस्तों मैं डाला हूँ पेपर, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक, ऑफिशियल पेपर है वो, ऐसा नहीं कि वो फेंक है, वो NPCIL का पेपर है, आप लोग देख लीजिएगा। कोई इंस्टीट्यूट जो इलेक्ट्रिशियन प्रैक्टिकल करवाता है स्किल टेस्ट के लिए? मुझे नहीं पता इंस्टीट्यूट के बारे में। एक पेपर हुआ है ना वर्क असिस्टेंट का, वो मैं आपको बता दूं 22 मई को शायद पेपर हुआ है, जो कि कौन सा था मैं आपको बता देता हूँ, वो देखिए बार्क मैसूर का जो पेपर हुआ है दोस्तों, ठीक, वो आपका हुआ है मई में 2022 में, बार्क मैसूर का, जिसका कि एडवर्टाइजमेंट नंबर मैं बता दूं बार्क MYS01/2021, ये मई में हुआ था 22 मई 2022 को, ठीक, जो कि पेपर हुआ था दोस्तों वो मैं आपको बता दूं कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था मैसूर में, सभी पेपर मैसूर में हुए थे 2019 के बाद, दोबारा भी हुआ है क्या? तो देखिए 21 में भी हुआ है ना बार्क मैसूर में, और किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। हो किसी का डाउट तो आप लोग पूछ सकते हैं, वरना सेशन यहीं पर समाप्त किया जाए। चलिए दोस्तों ठीक है, फिर कल से दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए दोस्तों
क्लासेज लेकर आऊँ वर्क असिस्टेंट के लिए, ठीक। और टॉपिक वाइज कवर करेंगे दोस्तों, जो हाइलाइटेड टॉपिक रहेंगे जो पिछले साल में पूछे गए थे उस टॉपिक को मैं ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करूँगा। कैटेगरी टू का रिजल्ट फरवरी में आएगा क्या? देखिए दोस्तों, परसों नोटिस जारी कर दिया गया है, 23 तारीख में जारी किया गया है, ठीक है। तो 23 तारीख को जारी किया गया था कि वो सब अंडर प्रोसेस में, आप लोगों का रिजल्ट अब बहुत ही जल्द आएगा। बाकी और सेम क्वेश्चन ना रिपीट करें, बाकी कोई डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो भी स्टूडेंट हैं, ठीक, अगर आप लोग दोस्तों टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग दोस्तों टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। जो टेलीग्राम का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर दोस्तों वो ओपन नहीं होता है तो आप लोग ऑब्जेक्टिव सेंटर नाम से सर्च करिएगा टेलीग्राम पर, टेलीग्राम आ जाएगा, ठीक। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव सेंटर और ग्रुप नाम से सर्च करेंगे तो ग्रुप आ जाएगा और आप लोग उस ग्रुप को ज्वाइन हो जाइएगा। और कोई भी डाउट होगा दोस्तों, आप लोग उस ग्रुप में हमसे पूछ भी सकते हैं, या फिर कोई स्टूडेंट को पता रहेगा तो वो आपको बता भी सकते हैं, ठीक। तो इतना आप लोग जरूर कर लीजिएगा कि आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें, चाहे वो चैनल हो या ग्रुप हो, आप दोनों में से कोई भी ज्वाइन होइएगा, आप लोगों के लिए फ़ायदा रहेगा। स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम कब तक होगा? हेल्थ टाक, तो स्टाफ नर्स का दोस्तों देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि स्टाफ नर्स का दोस्तों जो भी था वो तो दोस्तों लिस्ट जारी किया गया था, इन और आउट लिस्ट, लेकिन उसका अभी एग्ज़ाम डेट के बारे में दोस्तों कुछ नहीं पता, ठीक, क्योंकि इन्होंने अभी बताया नहीं है। स्क्रीन इन और आउट लिस्ट लेकिन जारी हो चुका है। चांदनी सिंह, गुड इवनिंग सर, वर्क असिस्टेंट एसटी की कट ऑफ क्या रहता है? देखिए दोस्तों, पिछले साल का जो कट ऑफ था वो मैंने आपको बता दिया, पर जाके आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। और वैसे भी दोस्तों, आप लोगों को कट ऑफ के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि दोस्तों दिन प्रतिदिन आप लोगों का दोस्तों एग्जाम का जो लेवल है वो टफ होता जा रहा है, और आप लोगों को मेहनत करना चाहिए, पढ़ाई पर अपने ध्यान देना चाहिए और अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत है और हार्डवर्क करिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि दोस्तों ये कट ऑफ दोस्तों परिवर्तित होता रहता है। पिछले साल की तरह ये मत सोचिएगा कि इतना नंबर हम ला देंगे तो पास हो जाएंगे। देखिए, पास होने से मतलब नहीं है, आपको दोस्तों मेरिट लिस्ट में भी आना रहता है, ठीक। तो मेरिट लिस्ट में आना माने रखता है, ना कि एग्ज़ाम पास करना। सारे एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे लेकिन फाइनल में आप फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आएंगे, तो आप लोगों के लिए एग्ज़ाम पास करना ही समझिए कुछ काम का नहीं रहेगा।